प्रसूता व जननी महिलाओं की स्वास्थ्य एवं अन्य सुविधाओं के लिए सरकार की ओर से चलाई जा रही 104 जननी एक्सप्रेस सेवा व ममता हेल्थ एक्सप्रेस सेवा में भारी घोटालों के आरोप लगाते हुए लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव सुरेंद्र कसाना ने मीडिया के जरिए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से घोटालों की जाँच व दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कसाना ने आज बयान में पत्रकारों से वार्ता करते हुए शंका जाहिर की। इन घोटालों से संबंधित कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी व कई अधिकारी भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि यह घोटाला फर्जी फोन कॉल्स के जरिए रजिस्ट्रेशन करवाकर और फर्जी लोकेशन दिखाकर व फर्जी बिलों का भुगतान उठाकर यह घोटाला करके सरकार के खजाने को करोड़ों रुपये का चूना लगाया जा रहा है। सरकार व जनहित में इसकी जाँच की बहुत आवश्यकता है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, इसमें दो अहम मुद्दे हैं। ब्याना, भरतपुर जिला एवं पूरे राजस्थान का मॉडर्न एजेंसी कंपनी है एक, जो 104 एम्बुलेंस एवं ममता एक्सप्रेस जो दवाई की ट्रीट करती है गांव गांव जा कर के, उसका बहुत बड़ा घोटाला सामने आया है। हमने आरटीआई लगा करके 6 महीने का रिकॉर्ड उपलब्ध कराया। हमने कई फोन से लोगों को फ़ोन किए कि क्या ये गाड़ियां आपके यहाँ आ रही हैं जा रही हैं, तो जवाब ये मिला कि आज तक हमारे यहाँ कोई गाड़ी का इस्तेमाल नहीं किया गया। जबकि 104 एम्बुलेंस गरीब हो, किसान हो, महिला जो गर्भवती हैं, बच्चे हैं, उनको लाने ले जाने का काम करती है। 104 एम्बुलेंस हॉस्पिटल से इधर से उधर नहीं गई आज तक, एक महीने में एक दो दिन की तो बोल नहीं सकता, लेकिन यही हालात है पूरे ज़िले का, पूरे राजस्थान का। ममता एक्सप्रेस का काम है गरीब किसान मजदूर गांव गांव जाकर उनको दवाई वितरण करने का। किसी भी गांव में मैंने एक टीम का ट्रिप की, करीब कई गांवों का दौरा करवाया, तो वहां जानकारी मिली कि आज तक आया ममता एक्सप्रेस नाम की कोई चीज़ या कोई गाड़ी आई नहीं, जबकि करोड़ों रुपये का घोटाला इसमें दवाइयों का चल रहा है। और जो एम्बुलेंस है, इसके जो एक बीटीआर कटती है इसकी, वो डीएसओ को काटते हैं, उस पर दस्तखत करते हैं। डीएसओ साहब ने भी दस्तखत कर दिए, इनका डीसी है नरेंद्र जी, भरतपुर बैठते हैं, उनके आदेश पर ये लोग जो ड्राइवर हैं, ये चार चार कॉल अपने फर्जी कॉल करते हैं, और फर्जी तरीके से अपने मोबाइल में रिश्तेदारों के मोबाइल से या अपने जो जानकार हैं उनके मोबाइलों से फर्जी कॉल करके ये गाड़ियाँ बुक कराते हैं और लाखों करोड़ों का चूना सरकार को लगा रहे हैं। जब बयाना में इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, तो पूरे ज़िले में, पूरे राजस्थान में आप अनुमान लगा सकते हो कितना बड़ा घोटाला होगा। ममता एक्सप्रेस में और 104 में इतना बड़ा घोटाला हो रहा है। ये दोनों मॉडर्न एजेंसी कंपनी है, उसके तहत ये दोनों काम कर रही हैं। तो हम मुख्यमंत्री जी को बदनाम किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री जी के उसमें हो रहा है, जबकि हमारे भरतपुर जिले के मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री, ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कई घोटालों की जांच के लिए कमेटियां गठित की हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, साथ ही आपके माध्यम से ये अवगत भी कराना चाहता हूं और मांग भी करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, इतना बड़ा घोटाला बयाना और भरतपुर में हो रहा है, इसकी निष्पक्ष जाँच हो और कड़ी से कड़ी कठोर कार्रवाई हो, जिससे भविष्य में ऐसी कोई गलती ना कर सके। 104 एम्बुलेंस और ममता एक्सप्रेस वे के डीसीए नरेंद्र कुमार जी जो भरतपुर बैठते हैं, उनको तत्काल प्रभाव से जो प्राइवेट हैं उनको हटा दिया जाए। डीएसओ को जो नगर में हो या कुमेर में हो या डीग में हो, रूपास में हो या ब्याना में, सब डीएसओ हो इनसे मिले हुए हैं। और जो ये ममता एक्सप्रेस वे है जो दवाई वितरित करती है, तो सरपंच, प्रधानाचार्य, एएनएम या किसी भी बाढ़ पंच के दस्तखत चाहिए, इन्होंने नकली मोहर बनवा रखी है। ये गांव में उस गांव की लोकेशन डाल देते हैं, गांव पर जाकर खड़ी कर देते हैं, घंटे दो घंटे खड़ी करके और वापस अपने गंतव्य स्थान पर चले जाते हैं। ब्याना की जगह ये झील पर खड़ी होती है। इतना बड़ा घोटाला ब्याना में हो रहा है, भरतपुर में हो रहा है, तो राजस्थान में कितना बड़ा घोटाला हो रहा होगा। मैं चाहता हूँ कि मॉडर्न एजेंसी कंपनी को जो जो 104 एम्बुलेंस और ममता एक्सप्रेस है, इसकी निष्पक्ष जांच हो। हमने इसलिए 6 महीने का कॉल डिटेल ने करवाया है, कई जगह फोन भी किए और बात भी की, गांवों में जाकर भी किया है, तो इसमें बहुत बड़ा घोटाला सामने आया। इसकी निष्पक्ष जांच की मांग हम यशस्वी मुख्यमंत्री, ईमानदार मुख्यमंत्री जिन्होंने कई जो भ्रष्टाचार किया उस